मंत्री अमित शाह केंद्रीय मंत्रियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को दोपहर 12 बजे नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नए भवन में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक चिन्ह सेंगोल भी स्थापित करेंगे। सेंगोल चोल साम्राज्य की परंपरा रही है। जब भी कोई राजा बनता था उसे राजदंड दिया जाता था। सेंगोल का अर्थ होता है संपदा से संपन्न। शाह ने बताया प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सेंगोल अंग्रेजों से लिया था, तब इसे तमिलनाडु से मंगवाया गया था। अब यह प्रयागराज के एक म्यूजियम में रखा गया है। नई बिल्डिंग में इसे स्पीकर की कुर्सी के बगल में रखा जाएगा। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का प्रतिबिंब होगा। गृह मंत्री ने कहा हालांकि 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे भुला दिया, कहीं भी इसका जिक्र नहीं होता था। बाद में 24 साल बाद एक तमिल विद्वान ने इसकी चर्चा की। सरकारी डेटा में 2021-22 में इसका जिक्र मिलता है। शाह ने बताया 96 साल के जो तमिल विद्वान पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपते समय मौजूद थे, 28 मई को वह संसद के नए भवन में सेंगोल के स्थापना के समय मौजूद रहेंगे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।